Hello everyone, myself Rajnish Kumar. I welcome you once again to the YouTube channel. बच्चों आज हम जो साइंस का क्लास टेंथ का साइंस का जो सेकेंड चैप्टर है दैट इज ह्यूमन सिस्टम्स उसका एक बहुत इंपॉर्टेंट हम सिस्टम करने जा रहे हैं दैट इज ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम. ठीक है, और RBSC में तो ये चैप्टर नंबर सेकंड में दिया हुआ है और CBSE वाले जो बच्चे हैं उनका ये जो चार टॉपिक्स आएंगे इसमें वो चैप्टर नंबर सिक्स में दिए हुए हैं दैट इज लाइफ प्रोसेसेस. ठीक है कि नहीं का? तो वहां पे आपको चार सिस्टम्स पढ़ने को मिलेंगे. पहला सिस्टम डाइजेस्टिव सिस्टम है, दूसरा रेस्पिरेटरी सिस्टम है, तीसरा एक्सक्रेटरी सिस्टम है एंड सर्कुलेटरी सिस्टम है. तो उसमें से पहला जो सिस्टम है हम आज के इस वीडियो में समझेंगे अच्छे से. ठीक है कि नहीं का? तो ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम. ठीक है कि नहीं? तो चलिए समझते हैं क्या क्या है ये. तो सबसे पहले इस डाइजेस्टिव सिस्टम में बहुत इंपॉर्टेंट रोल है स्फिंक्टर मसल्स का. ये क्या होती है स्फिंक्टर मसल्स? ये पूरी हमारे जो एलिमेंट्री कैनाल है, ये जो गट है, गट में रिंग के रूप में गोल गोल मसल्स होती हैं जो कि ऑल अलोंग पूरे लेंथ के अलोंग जो फूड का मूवमेंट है वो रेगुलेट करती हैं, मटेरियल्स का मूवमेंट रेगुलेट करती हैं पूरे एलिमेंट्री कैनाल में. ठीक है, सो दीज आर सर्कुलर मसल्स प्रेजेंट इन द गट. गट में होती है, गट मतलब एलिमेंट्री कैनाल पैसेज जहां जहां से भोजन गुजरता है. ठीक है, एट वेरियस प्लेसेस जगह जगह होती है विच रेगुलेट द मूवमेंट ऑफ मटेरियल्स थ्रू द गट. इन्हीं की मदद से जो है मटेरियल वो धीरे धीरे गट में या एलिमेंट्री कैनाल में आगे की ओर सरकता है. स्फिंक्टर, तो इसका इंपॉर्टेंट फंक्शन समझ में आना चाहिए. ठीक है, इसके बिना कोई काम नहीं होगा डाइजेस्टिव सिस्टम का. चलिए उसके बाद हमको देखना है जो डाइजेस्टिव सिस्टम है वो किन किन चीजों का बना हुआ है. ठीक है, तो हम पहले डेफिनेशन में कर चुके हैं डाइजेस्टिव सिस्टम होता क्या है. इट इज अ सिस्टम ऑफ ऑर्गन्स रिलेटेड टू क्या? इंजेशन, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन ऑफ डाइजेस्टेड फूड एंड इजेशन ऑफ अनडाइजेस्टेड वेस्ट इज कॉल्ड डाइजेस्टिव सिस्टम. ठीक है, तो ये वो सिस्टम है, वो तंत्र है ऑर्गन्स का जो किसके लिए उत्तरदायी है? इंजेशन. इंजेशन होता है टेकिंग इन द फूड, फूड को माउथ में ले जाना इज इंजेशन. उसके बाद उसका छोटे छोटे पीसेस में कन्वर्जन, ब्रेकडाउन, ताकि वो इनसॉल्युबल फॉर्म से सॉल्युबल फॉर्म में कन्वर्ट हो जाए कुछ हमारा दांतों की मदद से, बचा कुछ एंजाइम्स की मदद से, डाइजेशन हो गया. उसके बाद जो डाइजेस्टेड फूड है उसका एब्जॉर्प्शन. ठीक है, और एब्जॉर्प्शन के बाद में जो बच गया वेस्ट मटेरियल उसको बॉडी से बाहर थ्रो आउट करना दैट इज इजेशन. ये सारा कामकाज करने वाला जो हमारा तंत्र है ऑर्गन्स का जो सिस्टम है दैट इज नोन एज डाइजेस्टिव सिस्टम. क्लियर है? तभी देखेंगे जो पूरा डाइजेस्टिव सिस्टम है, पाचन तंत्र है, वो कितने मेन भागों में बांटा गया है. तो एंटायर डाइजेस्टिव सिस्टम इज डिवाइडेड इनटू टू मेन पार्ट्स. ठीक है कि नहीं का? तो सबसे पहला जो इसका हिस्सा है, मेन हिस्सा, वो है एलिमेंट्री कैनाल. ठीक है, क्या होता है एलिमेंट्री कैनाल? कैनाल मतलब होता है पूरा पैसेज, इसी का शॉर्ट फॉर्म गट भी है. ठीक है, तो क्या है ये वो पैसेज है, ट्यूबुलर पार्ट है पूरा, जहां जहां से भोजन होकर के गुजरता है, राइट फ्रॉम द माउथ टू द एनस पार्ट. क्लियर है? सो लॉन्ग ट्यूबुलर स्ट्रक्चर. ठीक है, लंबा है, ट्यूबुलर पार्ट है ये, एक्सटेंडेड फ्रॉम माउथ टू एनस, माउथ से एनस तक है ये. ठीक है, इट्स डिफरेंट पार्ट्स और ऑर्गन्स फॉर्म स्पेशलाइज्ड साइट्स फॉर डाइजेशन ऑफ फूड इन डिफरेंट कंडीशंस एसिडिक और बेसिक. ठीक है, इसके जो अलग अलग हिस्से होते हैं, अलग अलग ऑर्गन्स हैं जो इसके हिस्से हैं, पार्ट है, वहां पे स्थान होते हैं अलग अलग प्रकार के भोजन को डाइजेस्ट करने के लिए, वो रीजन्स है. ठीक है कि नहीं क्या? और हर अलग जगह पे, हर किसी पार्ट में एक अलग कंडीशंस का निर्माण किया जाता है एक पर्टिकुलर प्रकार के फूड के लिए, फूड के डाइजेशन के लिए पर्टिकुलर प्रकार के एंजाइम्स वहां पे काम करते हैं. तो उन एंजाइम्स को जो भी जरूरी कंडीशंस है उनका निर्माण ये ऑर्गन्स करके देते हैं. ठीक है कि नहीं? अगर ये नेसेसरी कंडीशंस नहीं हो पाएंगी तो क्या है, जो एंजाइम्स है वो डाइजेशन में पार्टिसिपेट नहीं करती है. ठीक है कि नहीं क्या? ओके, नाउ सम पार्ट्स आर एडेप्टेड फॉर इंजेशन. ठीक है, तो इसमें से कुछ हिस्से हैं जिस जो क्या इंजेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल, मतलब माउथ हो गया जैसे भोजन को अंदर ले जाना. सम फॉर डाइजेशन, वहां कुछ में क्या डाइजेशन होता है, टूट फूट होती है भोजन की और कॉम्प्लेक्स से सिंपल सॉल्युबल फॉर्म में कन्वर्ट होता है, और उसके बाद एक बार सिंपल सॉल्युबल फॉर्म में कन्वर्ट हो गया फिर कुछ हिस्सों में एब्जॉर्प्शन होता है. ठीक है कि नहीं का? और कुछ हिस्से ऐसे हैं जो कि अनडाइजेस्टेड वेस्ट मटेरियल को थ्रो आउट करने का काम करते हैं. तो अलग अलग रीजन्स का अलग अलग रोल है. समझ में आ गया? एलिमेंट्री कैनाल या फिर शॉर्ट में इसको बोलेंगे गट. तो आगे डायग्रामेटिक हम देख लेंगे कौन सा हिस्सा ये. उसका जो एलिमेंट्री कैनाल है ये कहां से स्टार्ट होता है? सबसे पहला इसका फर्स्ट पार्ट है माउथ या फिर बकल कैविटी. तो ये इंजेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है. इंजेशन मतलब होता है टू पुट द फूड इनटू द माउथ, भोजन को मुंह में ले जाना, ये प्रक्रिया इंजेशन कहलाता है, पुटिंग इनसाइड द माउथ. ठीक है कि नहीं क्या? उसके बाद और क्या काम करता है माउथ और बकल कैविटी? माउथ कैविटी को बकल कैविटी बोलते हैं, जहां पे दांत है और टंग है हमारे. ठीक है कि नहीं क्या? तो एक तो अंदर भोजन ले जाना, उसके बाद क्या हो गया मैस्टिकेशन मतलब चूइंग, भोजन को चबाने का काम भी यही होता है, मुंह के अंदर होता है दांतों की मदद से. ठीक है कि नहीं? एंड डाइजेशन ऑफ सम स्टार्च बाय सलाइवा. हम जो भोजन खाते हैं उसमें कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट होता है स्टार्च, सभी अनाज में होता है, आलू में होता है, खाने पीने की चीजों में होता है, बहुत सारी में कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट है.
तो सलाइवा जो होता है सलाइवा वो बेसिक मीडियम में एक एंजाइम है उसके अंदर सलाइवरी अमाइलेज, उसकी मदद से क्या होता है ये स्टार्च को डाइजेस्ट करता है, माल्टोज में कन्वर्ट कर देता है। माल्टोज एक थोड़ी सिंपलर शुगर है, 12 कार्बन की शुगर होती है, स्टार्च में हजारों हजारों कार्बन एटम्स हो सकते हैं, ठीक है कि नहीं क्या। तो कुछ हिस्सा स्टार्च का कन्वर्ट हो जाता है यहाँ पे किसमें, माल्टोज में, और ये कार्य होता है सलाइवा की मदद से माउथ के अंदर, ठीक है कि नहीं। अगर एक मिनट भी भोजन माउथ के अंदर रह गया तो ये डाइजेशन थोड़ा बहुत हो जाता है, स्टार्च कन्वर्ट्स इनटू माल्टोज, ठीक है कि नहीं। तो एंजाइम जो है उसका नाम है सलाइवरी अमाइलेज, या फिर टाइलिन भी बोल सकते हैं, PTYALIN, टाइलिन, ठीक है। चलो अगला हमारा सेकंड पार्ट है फेरिंग्स। ये क्या करता है, माउथ को और ईसोफेगस फूड पाइप को आपस में कनेक्ट करता है, छोटी सी कैविटी है, इट इज अ कैविटी दैट कनेक्ट्स माउथ टू द ईसोफेगस, क्लियर है। ईसोफेगस में ओ साइलेंट है, OESOPHAGUS, फूड पाइप है। उसके बाद अगला हिस्सा है ईसोफेगस, ये क्या करता है, ये एक नली है, करीब 15-20 सेंटीमीटर लंबी नली है ये, इट टेक्स फूड फ्रॉम फेरिंग्स टू द स्टमक, ये फेरिंग से भोजन ले जाती है और ये स्टमक में डिपॉजिट कर देती है भोजन को, ठीक है कि नहीं क्या। और इसकी जो ओपनिंग है, जो फेरिंग्स में इसकी जो ओपनिंग है, मुंह है इसका, उसको बोलते हैं गलेट, समझ में आ गया, क्या बोलते हैं इसको, गलेट, ओके, ईसोफेगस। और जो विंड पाइप है उसकी ओपनिंग को बोलते हैं ग्लॉटिस, याद रखना इसको, ठीक है। चलो इसके बाद ईसोफेगस के बाद में अगला हमारा स्टमक, अगला स्ट्रक्चर क्या आता है, स्टमक आता है, ठीक है कि नहीं क्या। तो स्टमक क्या, एक ऑलमोस्ट सबसे बड़ा चौड़ा जे आकार का एक सैक लाइक स्ट्रक्चर है, बैग लाइक स्ट्रक्चर है, ब्रॉडेस्ट बैग लाइक स्ट्रक्चर ऑफ एलिमेंट्री कैनाल, थैलीनुमा स्ट्रक्चर ही एलिमेंट्री कैनाल का। और इसके अंदर जो होता है इपिथीलियल सेल्स की लाइनिंग होती है, ये लाइनिंग जो होती है इसमें स्पेशल सिक्रेटरी नेचर होता है इनका, और ये क्या करते हैं, गैस्ट्रिक जूस सिक्रेट करते हैं, और ये गैस्ट्रिक जूस में मेनली डाइल्यूट HCl, जो कि भोजन, जो भी सलाइवा मिक्स भोजन जैसे ही हमारे स्टमक में एंटर करेगा ना, तो उसका मीडियम क्या कर देता है, ये एसिडिक बना देता है, ठीक है कि नहीं क्या। और फिर कई प्रोटीन को डाइजेस्ट करने वाली एंजाइम्स भी यहाँ पे रिलीज होती हैं, उनमें मेन है पेप्सिन एंड ट्रिप्सिन। पेप्सिन जो होती है ये बड़े प्रोटीन मॉलिक्यूल्स को बिल्कुल छोटे छोटे प्रोटीन्स में, पेप्टोन्स में, डाई ट्राई पेप्टाइड्स में कन्वर्ट कर देता है। अभी पेप्टोन पेप्टाइड ट्राई पेप्टाइड क्या चीज है मैं बताऊंगा, अभी थोड़ी देर में डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। और रेनिन जो होती है वो मिल्क में पाए जाने वाले प्रोटीन है केसिन, उसको डाइजेस्ट करती है, समझ में आया क्या कि नहीं क्या। अभी जितने भी प्रोटीन्स होते हैं ना, ये अमाइनो एसिड के ट्रेन्स होती है, ठीक है कि नहीं क्या। तो बहुत सारे अलग अलग प्रकार के हमारे अमाइनो एसिड्स हैं, उनको आपस में जुड़ने से लंबी लंबी दूरी तक प्रोटीन्स बनते हैं। तो प्रोटीन्स को डाइजेस्ट करेंगे तो उनके जो छोटे स्मॉलर सिंपल सॉल्युबल फॉर्म में अमाइनो एसिड उनको वापस मिल जाएंगे, ठीक है कि नहीं क्या। तो अब एक अमाइनो एसिड और एक और अमाइनो एसिड, दो अमाइनो एसिड के बीच में जो बंधन होता है, बॉन्ड होता है, जोड़ के रखने वाली फोर्स है, वो कहलाता है पेप्टाइड लिंकेज, समझ में आ गया कि नहीं क्या। अब मान लो पेप्टाइड बॉन्ड से, पेप्टाइड लिंकेज से दो अमाइनो एसिड जुड़े हुए हैं, तो ये जो छोटा सा प्रोटीन है जिसमें दो अमाइनो एसिड होंगे, ये कहलाएगा डाइपेप्टाइड, क्या कहलाएगा, डाइपेप्टाइड। इसी प्रकार से अगर तीन अमाइनो एसिड जुड़े हुए हैं तो ट्राइपेप्टाइड, ठीक है। इसी प्रकार से तीन चार पांच छह जुड़े हुए हैं तो ओलिगोपेप्टाइड, ठीक है। पेप्टोन्स भी इसी प्रकार से छोटे मार्जिन जहां पे तीन चार से ज्यादा नहीं होते, ठीक है। और जो कॉम्प्लेक्स प्रोटीन्स होते हैं उसमें हजारों हजारों की संख्या में क्या हो सकते हैं, हमारे क्या हो सकते हैं, अमाइनो एसिड्स हो सकते हैं, ठीक है। उसके अलावा हमारे जो एलिमेंट्री कैनाल है स्टमक के अंदर, कुछ स्पेशल सेल्स होते हैं, मैंने बताया था पहले भी, गॉबलेट सेल्स जो कि म्यूकस सिक्रेट करते हैं। ये म्यूकस क्या करता है, हमारे ही बॉडी में हमारा जो एलिमेंट्री कैनाल का जो फ्लेशी मटेरियल है, प्रोटीन मटेरियल है, उसको हमारी एंजाइम्स के एक्शन से रोकता है। हमारी एंजाइम्स खुद को डाइजेस्ट नहीं कर पाएंगे, हमारे खुद के गट पे काम नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो उनके एक्शन को, एंजाइम्स के एक्शन को खुद पे ही गट पे काम करने से या एक्ट करने से ये म्यूकस क्या करता है, रोकता है। तो चिपचिपी लेयर है जो कि ऑल अलोंग द इनर साइड ऑफ द एलिमेंट्री कैनाल, ये लेप होता है इसका, ठीक है कि नहीं। चलिए उसके बाद आता है हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन, ठीक है कि नहीं। ये स्टार्ट होती है स्टमक के पोस्टीरियर पार्ट से, स्टमक का जो फार एंड है वहां से। तो स्टमक ओपन्स इनटू द स्मॉल इंटेस्टाइन, ठीक है। और स्मॉल इंटेस्टाइन जो होता है उसके भी कितने पार्ट्स हैं, तीन पार्ट्स हैं, ठीक है। और मैं स्टमक के पार्ट्स तीन पहले ही बता चुका हूं, मैं बताया था मैंने, जो फर्स्ट ऊपर वाला जो हिस्सा होता है उसको क्या बोलते हैं, फंडस बोलते हैं, बीच वाले हिस्से को कार्डिया बोलते हैं, और जो तीसरा हिस्सा है उसको बोलते हैं पाइलोरस, ठीक है। तो फंडस इज गार्डेड बाय फंडिक वेल्व और पाइलोरस इज गार्डेड बाय पाइलोरिक वेल्व, ठीक है। फूड की एंट्री को, एग्जिट को ये रेगुलेट करती है वेल्व्स, एंड दीस वेल्व्स, इनका मूवमेंट जो होता है इट इज कंट्रोल्ड बाय व्हाट, स्फिंक्टर मसल्स, क्लियर। चलिए तो स्मॉल इंटेस्टाइन जो है वो, उसके तीन पार्ट्स कौन कौन से बताइए, ड्यूओडेनम पहला पार्ट है, छोटा सा है, 15-20 सेंटीमीटर का है, ये यू शेप का स्ट्रक्चर है। उसके बाद आता है जेजुनम और इलियम, ये दोनों मिलाकर के नियरली 4.25 मीटर के आसपास की इनकी लेंथ होती है, जेजुनम एंड इलियम की, ठीक है। और ये वो स्थान है ड्यूओडेनम स्मॉल इंटेस्टाइन जहां पे पेंक्रियाटिक और इंटेस्टिनल एंजाइम्स भोजन को डाइजेस्ट करते हैं। तो पेंक्रियास अपना खुद का जूस बनाता है और एक डक्ट के माध्यम से नली निकलती है पेंक्रियास, स्टमक के नीचे ही एक और हमारी ग्लैंड है पेंक्रियास, ठीक है। तो वहां से जूस जो होता है वो निकल के एक नली के माध्यम से आता है, और इसी प्रकार से जो बाइल होता है ना, बाइल लीवर के द्वारा बनाया जाता है,
वो लीवर के द्वारा बनाया गया बाइल पहले तो जाकर के गॉल ब्लैडर में स्टोर होता है, फिर गॉल ब्लैडर से एक और नली निकलेगी, तो गॉल ब्लैडर की डक्ट क्या कहलाती है? बाइल डक्ट, ठीक है। और पेंक्रियास से निकलने वाली डक्ट नली क्या कहलाती है? पेंक्रियाटिक डक्ट। दोनों जुड़ जाती हैं और बन जाती है कॉमन बाइल डक्ट, और ये फिर जाके स्मॉल इंटेस्टाइन में ड्यूओडेनम में खुलती है। तो दोनों, जैसे ही भोजन हमारा स्टमक से कहाँ आएगा? स्मॉल इंटेस्टाइन में आएगा। ये दोनों अपने अपने सिक्रीशंस को रिस्पेक्टिवली स्मॉल इंटेस्टाइन के ड्यूओडेनम पार्ट में पोर इन कर देते हैं, जहां पे जो हाफ डाइजेस्टेड फूड चाइम जो आया था ना स्टमक से निकल के बाहर, एसिडिक भोजन, उसमें ये दोनों मिक्सअप हो जाते हैं। बाइल क्या करता है? उस एसिडिक भोजन को क्या बना देता है? बेसिक बना देता है। बाइल बेसिक नेचर का होता है, मैंने बताया था आरबीसी के ब्रेकडाउन से बनता है। इसमें दो पिगमेंट्स होते हैं, बिलरुबिन एंड बिलवर्डिंग, ठीक है कि नहीं? क्या तो इसको बेसिक बना देता है, क्योंकि आगे के एंजाइम्स बेसिक मीडियम में काम करेंगे। तो ध्यान देना, ये बिल्कुल चेंज हो रहा है लगातार। माउथ में जो एंजाइम होती है टाइलिन सलाइवरी एमाइलेज, वो बेसिक मीडियम में काम करती है। उसके बाद स्टमक में आते ही मीडियम एसिडिक हो जाता है, ठीक है कि नहीं? क्या वहां पे पेप्सिन और रेनिन काम करती है प्रोटीन्स पे। उसके बाद वापस स्मॉल इंटेस्टाइन के ड्यूडेनम पार्ट में आएगा भोजन, तो वहां पे फिर हमको एल्कलाइन मीडियम चाहिए। तो जो भी एसिडिक भोजन है उसको वापस एल्कलाइन बेसिक मीडियम में कन्वर्ट करने के लिए बाइल काम करता है। बाइल बेसिक होता है, समझेगा? बिफोर बाइल बिफोर बेसिक। तो एक बार बाइल ने उसको बेसिक कर दिया, तो अब हमारी खूब सारे एंजाइम्स हैं जो स्मॉल इंटेस्टाइन में काम करती है। तो ये एंजाइम्स कौन कौन सी हैं, किस प्रकार के भोजन पे एक्ट करती हैं और क्या नाम है उनके, वो देखते हैं। तो मोस्टली एंजाइम जो होती है वो प्रोटीन नेचर की होती है, उनके नाम की एंडिंग दो ही प्रकार से हो सकती है, या तो उसके नाम के लास्ट में ए एस ई लगेगा, एज। ये इस बात पर डिपेंड करता है कि वो किस सब्सट्रेट पे, किस प्रकार की चीज पे एक्ट करके उसको डाइज करने वाली है, तो एज से खत्म होगा, और या फिर प्रोटीन होते हैं तो आई एन से खत्म होगा, जैसे पेप्सिन ट्रिप्सिन, ये देखो ऊपर लिखा है पेप्सिन आई एन, रेनिन ट्रिप्सिन काइमोट्रिप्सिन, ठीक है, या फिर एस। तो चलो, चार मेन कैटेगरी की हमारी एंजाइम्स होती है। सबसे पहले एंजाइम है हमारी प्रोटीएज। कौन सी एंजाइम है? तो नाम खुद सजेस्ट कर रहा है कि प्रोटीन डाइजेस्टिंग एंजाइम्स हैं। इसमें कौन कौन से आती हैं? ट्रिप्सिन आती है, काइमोट्रिप्सिन आती है, पेप्टिडेजेस आती हैं। तो ये सारी की सारी क्या है? प्रोटीन्स को डाइज करने वाली होती है। ये बड़े बड़े प्रोटीन्स को डाइज करती है, ये पेप्टिडेज छोटे प्रोटीन्स पे काम करती है। कार्बोहाइड्रेट, सिंपल कार्बोहाइड्रेट को डाइज करने वाले एंजाइम्स हैं। तो मैंने बताया था अमाइलेज, हमने पढ़ा था ना ऊपर, जो माउथ में भी रिलीज होती है, पेंक्रियास में भी रिलीज होती है और स्मॉल इंटेस्टाइन में भी रिलीज होती है। तो अगर माउथ में रिलीज हो रही है सलाइवा के माध्यम से, सलाइवरी अमाइलेज, इंटेस्टाइन में रिलीज हो रही है इंटेस्टिनल अमाइलेज, पेंक्रियास के द्वारा रिलीज हो रही है पेंक्रियाटिक अमाइलेज। तो ये कार्बोहाइड्रेट को डाइजेस्ट करने वाले एंजाइम्स हैं, क्योंकि स्टार्च को कन्वर्ट करती है माल्टोज में, ठीक है कि नहीं? क्या कार्बोहाइड्रेट्स। फिर आती है लाइपेज, ये लिपिड्स मतलब फैट्स को डाइजेस्ट करती है फॉर डाइजेस्टिंग लिपिड्स। और न्यूक्लियसिस, हमारा जो सेल होता है, सेल उसका कंट्रोल हाउस होता है न्यूक्लियस, और न्यूक्लियस के अंदर दो प्रकार के न्यूक्लिक एसिड पाए जाते हैं, डीएनए एंड आरएनए। तो डीएनए और आरएनए को डाइज करने वाले एंजाइम्स हैं न्यूक्लियसेस। तो अगर डीएनए को डाइज कर रही है डीएनए एस, आरएनए को कर रही है आरएनए एस। और डीएनए और आरएनए के डाइजेशन के बाद में जो छोटे स्मॉल मॉलिक्यूल्स बन जाएंगे वाटर सोल्युबल, उसको हम बोलते हैं न्यूक्लियोटाइड्स। क्या बोलते हैं उनको? न्यूक्लियोटाइड्स बोलते हैं, ठीक है कि नहीं? क्या तो ये था क्या हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन में कौन कौन से एंजाइम्स की कैटेगरीज रिलीज होती है, और फिर बाइल भी यहीं पे एक्ट करता है, समझ में आया क्या? तो देखो इधर, बाइल आल्सो एक्ट्स हियर, यहीं पे बाइल काम करता है। और जो स्मॉल इंटेस्टाइन है उसका अगर हम बाहर से तो ट्यूब जैसे दिखती है, लेकिन अंदर से यदि हम देखें तो दिस स्मॉल इंटेस्टाइन हैज ए लार्ज नंबर ऑफ सच फिंगर लाइक फोल्ड्स, इस प्रकार के छोटे छोटे क्या है, फिंगर के जैसे फोल्ड्स है। ये फोल्ड क्यों है, किसलिए, क्या काम है, वो देखेंगे हम। तो अंदर से स्मूथ नहीं है, इस प्रकार से फिंगर लाइक फोल्ड है, और इन फोल्ड्स के कारण अंदर उसका सरफेस एरिया काफी ज्यादा बढ़ जाता है, और इससे फटाफट जो भी डाइजेस्टेड सिंपल सॉल्युबल फॉर्म में फूड आ गया इंटेस्टाइन में, उसके एब्जॉर्ब करने में आसानी होती है, समझ में आ गया? तो फूड इज इजीली एब्जॉर्ब्ड हियर बिकॉज ऑफ दिस लार्ज सरफेस एरिया। तो ये जो टाइनी फिंगर लाइक फोल्ड्स होते हैं, इसको माइक्रोविलाई बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? माइक्रोविलाई, हजारों की संख्या में होते हैं ये, ठीक है। अब इनकी जो वॉल होती है उसके अंदर कॉलुमनार इपिथेलियल सेल्स होते हैं, पिलर लाइक सीलिएटेड कॉलुमनार इपिथेलियल सेल्स, जो भी भोजन है, और ये सेल्स परमिएबल होते हैं, इनके माध्यम से इसके अंदर से आर पार भोजन होकर के अंदर गैप से पहुंच जाता है। अंदर यहाँ पे खोखली गैप है, कैविटी है, जिसमें कि फ्लूड भरा होगा, कौन सा? लिम्फ, मैंने बताया था पहले, ठीक है। और इस लिम्फ के अंदर कैपिलरीज हैं। तो ये देखो इंटेस्टाइन की जो वॉल है, इसके अंदर से ये ब्लड वेसल्स कैपिलरीज वगैरह निकल के आ रही है। रेड वाला जो वेसल्स है आर्टरीज है, और जो ब्लूइश वाली है वो वीन्स है, ठीक है कि नहीं? क्या तो कैपिलरीज होती है, और ग्रीन वाली और लिम्फ वेसल्स है, समझ में आया? तीन प्रकार के वेसल्स हो गए। तो ये इस फ्लूड में, यहाँ पे जो फ्लूड पड़ा हुआ है कलरलेस ट्रांसपेरेंट फ्लूड पेल कलर का, वो है हमारा लिम्फ। तो लिम्फ में भोजन यहाँ पे डिफ्यूज हो जाता है, यहाँ से फिर कैपिलरीज पिकअप कर लेती है भोजन को, और रिस्पेक्टिव बॉडी ऑर्गन्स तक ये पहुंचा देती है ब्लड स्ट्रीम के थ्रू, ठीक है। तो ब्लड जो होता है बाकी सारे डाइजेशन प्रोडक्ट को ले जाता है। भाई कार्बोहाइड्रेट्स
जब पच जाएंगे तो ग्लूकोज में कन्वर्ट हो जाएंगे सारे के सारे, ठीक, ग्लूकोज फ्रुक्टोज सिंपल शुगर्स हैं। उसके बाद अगर फैट्स पचेंगे तो फैट्स के डाइजेशन प्रोडक्ट होते हैं ग्लिसरॉल और फैटी एसिड। तो इनको ले जाने के लिए स्पेशल हमारे लिम्फ वेसल्स होते हैं, ये ब्लड कैपिलरीज आर्टरीज और वीन्स के थ्रू कैरी नहीं होते हैं। कौन से? फैट्स के डाइजेशन प्रोडक्ट, क्योंकि चिपचिपा होता है आर्टरीज और वीन्स को ब्लॉक कर सकता है, ठीक है। और तीसरा हमारे जो है क्या, प्रोटीन्स, प्रोटीन्स के डाइजेशन प्रोडक्ट क्या होते हैं, अमाइनो एसिड्स होते हैं, वो ब्लड के थ्रू इधर से उधर कैरी हो जाते हैं वाटर सोल्युबल फॉर्म में, ठीक है कि नहीं क्या। तो ये था हमारा क्या, माइक्रोविलाई। तो ये माइक्रोविलाई क्यों होता है, टू इंक्रीज द इफेक्टिव एब्जॉर्प्टिव सरफेस एरिया, जिससे कि भोजन जो होता है वो फटाफट एब्जॉर्ब हो जाए हमारे इंटेस्टाइन के अंदर, ठीक है ना। चलिए आगे चलते हैं, अब आ गया हमारा लार्ज इंटेस्टाइन। तो लार्ज इंटेस्टाइन के भी तीन पार्ट हैं, तो स्मॉल इंटेस्टाइन के मैंने तीन पार्ट बता दिए, कौन कौन से थे बताओ, ड्यूओडेनम, जेजुनम, इलियम। तो लार्ज इंटेस्टाइन, अब जैसे स्मॉल इंटेस्टाइन लार्ज इंटेस्टाइन में ओपन करते हैं तो उनके जॉइंट पे एक छोटा सा फिंगर लाइक स्ट्रक्चर होता है, जिसको बोलते हैं वर्मी फॉर्म अपेंडिक्स। एक वेस्टिजियल ऑर्गन है, यूजलेस ऑर्गन है, लेकिन कई बार क्या होता है, मैंने बताया था इन्फेक्शन कारण सूज जाता है, तो ये इंटेस्टाइन को, स्मॉल इंटेस्टाइन को ब्लॉक कर लेता है, जिससे फूड के मूवमेंट में बाधा आती है, सीवियर पेन होता है, तो कई बार इसको सर्जिकली रिमूव भी करवाना पड़ता है, अपेंडिसाइटिस ये कंडीशन कहलाती है, ऑपरेशन अपेंडिक्स का। तो लार्ज इंटेस्टाइन जो होती है उसके बाद शुरू होती है अपेंडिक्स के बाद में, एंड इट हैज थ्री मेन पार्ट, तीन मेन पार्ट है। सीकम, ये छोटा सा पार्ट है जो स्मॉल इंटेस्टाइन के जस्ट आगे का हिस्सा है, ये 10-15 सेंटीमीटर का ही होता है, छोटा सा ही होता है। उसके बाद आता है कोलोन, कोलोन सबसे लंबा हिस्सा है इसमें, कुछ ऊपर चढ़ता हुआ कोलोन, असेंडिंग कोलोन, तिरछा, ट्रांसवर्स कोलोन एंड डिसेंडिंग कोलोन, ठीक है, तीन इसके पार्ट्स हैं। और फिर बाद में आता है रेक्टम, रेक्टम जो होता है ये आगे जाके धीरे धीरे पिचकते जाता है, कॉन्स्ट्रिक्ट होते जाता है, पहले पीछे पीछे डायमीटर ज्यादा है, आगे डायमीटर क्या है, कम है, फनल के जैसा है। और यहाँ पे क्या है, भोजन अच्छे से स्क्वीज हो जाता है, जो वेस्ट मटेरियल है, जिससे कि पानी, मिनरल्स वगैरह वापस हमारे सिस्टम में रीअब्सॉर्ब हो जाए, ठीक है। और फाइनली जो अनडाइजेस्टेड वेस्ट होता है, इट इज थ्रोन आउट ऑफ द बॉडी थ्रू एनस, ठीक है। तो रेक्टम हेल्प्स इन इजेशन ऑफ अनडाइजेस्टेड वेस्ट, तो यहाँ पे क्या, सॉल्ट्स, वाटर, ये एब्जॉर्ब हो जाता है, ठीक है नहीं क्या। कुछ हिस्सा है मैटर वगैरह, मिनरल्स वगैरह, सॉल्ट्स, पानी भी है, ये एब्जॉर्ब होते हैं इस हिस्से में, ठीक है नहीं क्या। उसके बाद एलिमेंट्री कनाल जो होती है, उसमें जगह जगह मैंने बताया ना स्फिंक्टर्स होते हैं, क्योंकि ये अलग अलग प्रकार के जो पार्टिकल्स है, डाइजेस्टेड फूड हो गया या फिर अनडाइजेस्टेड वेस्ट, इसके मूवमेंट में हेल्प करते हैं स्फिंक्टर मसल्स, ठीक है कि नहीं क्या। और ये जो मूवमेंट है पूरी गट में फूड का जो मूवमेंट होता है, इट इज बिकॉज ऑफ द पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट ऑफ कॉज ड्यू टू दीज स्फिंक्टर मसल्स, क्लियर है। ये तो था हमारे जो डाइजेस्टिव सिस्टम है उसके पार्ट्स। अब हम देख लेते हैं इसका डायग्राम कैसा आएगा, और उससे पहले डाइजेस्टिव ग्लैंड्स कौन कौन सी होती है, ठीक है नहीं क्या। तो पहले डिस्कस जैसे कि हम कर चुके हैं कि हमारे डाइजेस्टिव ग्लैंड्स हैं कौन कौन सी है, उनका क्या रोल है वो देख लेंगे, ठीक है कि नहीं क्या। तो सबसे पहले हमारी जो ग्लैंड है वो है डाइजेस्टिव ग्लैंड्स में, तो ये हमारे जो अभी तक जो हम देख रहे थे वो क्या था, वो एलिमेंट्री कैनाल देख रहे थे, ठीक है कि नहीं क्या, हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम का पार्ट ए। अभी हम देखेंगे डाइजेस्टिव ग्लैंड्स कौन कौन सी आती है, ठीक है। तो डाइजेस्टिव ग्लैंड में तीन मेन ग्लैंड्स हैं जो बाहर से अपने अपने सिक्रीशंस को पोर करती हैं इस ट्यूबुलर पार्ट ऑफ द डाइजेस्टिव सिस्टम, दैट इज एलिमेंट्री कैनाल के अंदर, ठीक है। तो सबसे पहला है सलाइवरी ग्लैंड, तीन जोड़े हैं ये, पैरोटिड ग्लैंड, सबमैंडिबुलर ग्लैंड और सबलिंगुअल। मैं डेफिनेशन में बता चुका हूं, मैं ये चीक में होती है, ये लोअर जॉ में होती है और ये टंग के नीचे होती है, ठीक है नहीं क्या। दे सिक्रीट सलाइवा, रोल क्या इनका, लार, सलाइवा सिक्रीट करना। अब सलाइवा का काम क्या है, देखो इंपॉर्टेंट, द सलाइवा लुब्रिकेट्स द फूड, ये भोजन को लुब्रिकेशन का काम करती है, भोजन अटके नहीं, गले में इजिली स्लिप हो जाए, स्लिपरी हो जाता है, ठीक है नहीं क्या, फ्रिक्शन नहीं हो गले में, गले के टिश्यूज डैमेज नहीं हो, ठीक है। एंड कंटेन्स एन एंजाइम, उसमें क्या होती है, एक एंजाइम होती है जिसको क्या बोलते हैं, टाइलिन, PTYALIN, इसको हम सलाइवरी अमाइलेज भी कह सकते हैं, विच कन्वर्ट्स सम स्टार्च इनटू माल्टोज शुगर। स्टार्च वाटर इनसॉल्युबल है, माल्टोज पानी में घुल जाता है, तो स्टार्च को किसमें कन्वर्ट करती है, माल्टोज शुगर में। तो स्टार्च में हजारों हजारों कार्बन की शुगर है, वो माल्टोज 12 कार्बन की शुगर है खाली, तो काफी छोटी है, ठीक है। उसके बाद आता है हमारा अगली जो ग्लैंड है पैंक्रियास, ये स्टमक के जस्ट नीचे चिपक के रहती है और पैंक्रियाटिक जूस सिक्रीट करती है, और ये पैंक्रियाटिक जूस जो होता है स्मॉल इंटेस्टाइन में क्या है, पोर हो जाता है। तो सिक्रीट्स एंजाइम्स फॉर डाइजेस्टिंग प्रोटीन्स, फैट्स, कार्बोहाइड्रेट्स, न्यूक्लिक एसिड, ये सारी प्रोटीन्स को डाइजेस्ट करने वाले एंजाइम्स प्रोटीएज, फैट्स को डाइजेस्ट करने वाली लाइपेज, कार्बोहाइड्रेट्स को डाइजेस्ट करने वाली कार्बोहाइड्रेट्स, एंड न्यूक्लिक एसिड को डाइजेस्ट करने वाली न्यूक्लियस, ठीक है कि नहीं क्या। ये अभी हमने कैटेगरीज देखी थी। और पैंक्रियाटिक जूस जो होता है ड्यूओडेनम तक कैसे पहुंचता है, वाया कॉमन बाइल, कॉमन बाइल डक्ट, बताया था ना मैंने, एक डक्ट तो कहां से लीवर और गॉल ब्लैडर से निकलती है, ये बाइल डक्ट हो गई, दूसरी वाली पैंक्रियाटिक डक्ट, दोनों जुड़ के बनाती है कॉमन बाइल डक्ट। तो बाइल और पैंक्रियाटिक जूस मिक्स होकर ही भोजन में मिक्सअप होते हैं, उसके बाद में एंटर करते हैं। और तीसरी हमारी सबसे बड़ी जो ग्लैंड है बॉडी की, वो लीवर, लीवर में बाइल बनता है कुछ स्पेशल हेक्सागोनल यूनिट्स के कारण, जिनको हम बोलते हैं लीवर लोब्यूल्स, ठीक है कि नहीं क्या। और ये जो भी फालतू बाइल बन जाएगा, ये जमा हो जाता है
कहां पे? गॉल ब्लैडर के अंदर। और बाइल का मेन काम क्या है? इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट्स। तीन वर्ड्स बहुत इंपॉर्टेंट, इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट्स। बता चुका हूं क्या होता है, लार्ज फैट बॉडीज का छोटे ड्रॉपलेट्स में कन्वर्ट होना, जिसके कारण एंजाइम लाइपेज उन पे काम कर सके, कहलाता है इमल्सिफिकेशन। ठीक है, उसका सिग्निफिकेंस ऑफ एंजाइम्स यूज्ड इन डाइजेशन। तो ये एंजाइम्स करती क्या, मैंने बताया था मॉलिक्यूलर सीजर की तरह पानी के प्रेजेंस में एंजाइम काम करती है, तो हाइड्रोलेज कहते हैं इनको। तो हाइड्रोलिसिस होता है, हाइड्रो मतलब वाटर, लिसिस होता है ब्रेकडाउन। वाटर के प्रेजेंस में दीज एंजाइम्स दे ब्रेक डाउन कॉम्प्लेक्स फूड इनटू सिंपल एंड सॉल्युबल फॉर्म, एंड सिंस दे एक्ट इन प्रेजेंस ऑफ वाटर दीज एंजाइम्स आर नोन एज हाइड्रोलेजेस। तो ये एंजाइम्स यूज होते हैं किसमें? डाइजेशन में। दीज एक्ट इन प्रेजेंस ऑफ वाटर, पानी में काम करेंगी, एंड कन्वर्ट कॉम्प्लेक्स इनसॉल्युबल फूड इनटू सिंपल सॉल्युबल फॉर्म। जो कॉम्प्लेक्स बड़ा भोजन है, वाटर इनसॉल्युबल है, उसको सिंपल और सॉल्युबल फॉर्म में कन्वर्ट करती है कौन? ये एंजाइम्स, हाइड्रोलिसिस। ठीक है कि नहीं? डाइजेस्टिव एंजाइम्स जो होती हैं, ठीक है, दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर डाइजेशन, और डाइजेशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा करती हैं। और हर एक एंजाइम का एक पर्टिकुलर काम होता है, स्पेसिफिक एक्शन होता है। कोई भी एक एंजाइम दूसरे का काम नहीं करेगी, प्रोटीन को अलग प्रकार के एंजाइम डाइज करेगी, फैट्स को अलग प्रकार की करेगी, एंड सो ऑन। ठीक है कि नहीं? क्या? और हर एंजाइम जो होती है एक पर्टिकुलर पीएच पे ही काम करती है, एक प्रॉपर मीडियम एसिडिक या बेसिक मिलना बहुत जरूरी है, उसमें अगर गड़बड़ हो गई तो एंजाइम्स काम करना बंद कर देती है। समझ में आ गया? तो इफेक्टिवली अगर हमको एंजाइम्स को काम करवाना है तो वी शुड प्रोवाइड प्रॉपर एनवायरमेंटल कंडीशंस टू द एंजाइम्स। क्लियर? चलिए आगे चलते हैं। ये जो चार एंजाइम्स थी मैंने बताया था, ऊपर हमने सिर्फ फंक्शन लिखा था, प्रोटीज प्रोटीन डाइज करती है, लिपिड्स को डाइज करने वाली लाइपेज, कार्बोहाइड्रेट को डाइज करने वाली कार्बोहाइड्रेट्स, न्यूक्लियसेस जो होते हैं डीएनए आरएनए को डाइज करने वाले, अब इनके एग्जांपल्स भी हैं यहाँ पर। ठीक है, तो प्रोटीज प्रोटीन डाइजेस्टिंग एंजाइम्स कौन कौन सी? पेप्सिन और रेनिन, ये दोनों तो करती है एसिडिक मीडियम में काम, स्टमक में। ट्रिप्सिन, काइमोट्रिप्सिन, कार्बोक्सीपेप्टिडेज, ये स्मॉल इंटेस्टाइन में, ड्यूओडेनम में, और स्मॉल इंटेस्टाइन का जो जेजुनम पार्ट है उसमें एक्ट करते हैं। समझ में आ गया? ये करती है बेसिक मीडियम में काम। तो शुरू की दो एसिडिक मीडियम में और ये दोनों बेसिक मीडियम में, ये इंटेस्टाइन में काम करती है और वो स्टमक में करती है। उसके बाद आता है हमारा लाइपेज। ये लाइपेज जो होती है ये इंटेस्टाइन के द्वारा भी सिक्रेट होती है और पैंक्रियास के द्वारा भी। तो अगर पैंक्रियास के द्वारा सिक्रेट होगी पैंक्रियाटिक लाइपेज, इंटेस्टाइन के द्वारा होगी इंटेस्टिनल लाइपेज। क्लियर है? और अगला हमारा कार्बोहाइड्रेट्स, कार्बोहाइड्रेजेस, ये क्या करते हैं? कार्बोहाइड्रेट्स को डाइज करते हैं। अब ये भी तीन है, ठीक है कि नहीं? क्या? पहली अमाइलेज, तो अमाइलेज तीन जगह सिक्रेट होती है, माउथ में सिक्रेट होती है सलाइवा के साथ में, ठीक है, सलाइवरी ग्लैंड्स के द्वारा, तो टाइलिन कहलाती है सलाइवरी अमाइलेज। फिर पैंक्रियास अगर सिक्रेट करे पैंक्रियाटिक अमाइलेज, और अगर इंटेस्टाइन सिक्रेट करे इंटेस्टिनल अमाइलेज, और सारे मिलजुल के क्या करती है? स्टार्च को कन्वर्ट करती है माल्टोज, ठीक है। फिर माल्टोज को माल्टेज एंजाइम जो होती है वो डाइज करती है और छोटी शुगर से बदल देती है, सिक्स कार्बन शुगर मतलब ग्लूकोज बदल देती है। समझ में आया कि नहीं? का तो माल्टोज को ये जो एंजाइम है माल्टेज ये कन्वर्ट कर देती है ग्लूकोज में। इसी प्रकार से लैक्टेज जो एंजाइम है, ये मिल्क में एक शुगर पाई जाती है लैक्टोज, उसको कन्वर्ट करती है सिंपल सॉल्युबल फॉर्म में। इसी प्रकार से जो केन शुगर है, हम जो मीठी चीनी खाते हैं ना खाने वाली, गन्ने वाली जो चीनी होती है, उसको सुक्रेज एंजाइम कन्वर्ट कर देती है ग्लूकोज और फ्रुक्टोज में। समझ में आ गया? तो ये सिंपल जो हमारे प्रोडक्ट्स हैं वो बन जाते हैं इन कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स के द्वारा, ठीक है। उसके बाद आता है न्यूक्लियसिस, ये डीएनए और आरएनए को डाइज करती है, जिनके बाद में डाइजेशन के बाद में क्या बनेगा? न्यूक्लियोटाइड्स बन जाते हैं जो कि वाटर सॉल्युबल है। क्लियर है? तो अब हम देखेंगे कि हमारे बॉडी जो हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम है इसमें किस हिस्से में कौन से एंजाइम कहाँ काम करती है, ठीक है। और फिर बीच में हम डायग्राम भी देख लेंगे, ठीक है कि नहीं? चलो सबसे पहले आता है स्टार्च। जैसे ही हमने भोजन को मुंह में रखा तो सबसे पहले एंजाइम जो टाइलिन वो काम करती है। माउथ में जो सलाइवा होता है उसका पीएच बेसिक होता है, लगभग 10 के आसपास होता है, 8.5 से 10 के बीच में हमारे माउथ का पीएच होता है, और इस बेसिक पीएच पे टाइलिन एंजाइम एक्टिवेट हो जाती है। और जैसे कोई हमने स्टार्च मुंह में गया, स्टार्च जो होता है अनाज में होता है, आलू में हो गया, अनाज में हो गया, मीठी चीजों में हो गया, ठीक है नहीं? क्या? तो ये स्टार्च जो होता है ये इसको कन्वर्ट करती है टाइलिन, और किसमें कन्वर्ट कर देती है? माल्टोज में। तो एक 12 कार्बन की शुगर है। समझ में आ गया? ये पहला काम हो गया। तो सारा का सारा स्टार्च इधर डाइजेस्ट नहीं होता, क्योंकि माउथ में बहुत लंबे समय तक रखते नहीं है भोजन को, एक आधा मिनट से भी कम समय तक रखते हैं, 20-25 सेकंड के बाद में उसको निकल जाते हैं। तो इतने देर में थोड़ा ही स्टार्च कन्वर्ट हो पड़ता है माल्टोज में, अभी भी काफी बच जाता है। तो बचा कुचा जो फिर स्टार्च है वो डाइजेस्ट होता है स्मॉल इंटेस्टाइन में। समझ में आ गया कि नहीं? का इसी कारण से पैंक्रियाटिक और इंटेस्टाइनल जो हमारी है ना अमाइलेज वो लगती है वहां पे, ठीक है। चलिए पहला समझ में आ गया। अगला माल्टोज, ये कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट है माल्टोज, इसको माल्टेज एंजाइम कन्वर्ट करती है किसमें? ग्लूकोज में। ये काम होता है बेसिक पीएच में स्मॉल इंटेस्टाइन के ड्यूओडेनम पार्ट, ठीक है कि नहीं? क्या?
ये दूसरा हमारा डाइजेशन प्रोडक्ट हो गया। उसके बाद आ गया हमारा प्रोटीज। प्रोटीज मैंने बताया था कि अमाइनो एसिड की चेन्स होती है, लंबी लंबी दूरी तक खूब सारे हजारों की संख्या में अमाइनो एसिड्स को जोड़ दें तो बनते हैं प्रोटीन। जैसे हमारे अल्फाबेट ही होते हैं कि 26 अल्फाबेट है और इन अल्फाबेट्स को जोड़ने से अलग अलग प्रकार के शब्द बनते हैं, तो इसी प्रकार से टोटल 20 अमाइनो एसिड होते हैं अलग अलग प्रकार के। इन 20 अमाइनो एसिड्स को आपस में अलग अलग सीक्वेंस में चाहे रिपीट करके जोड़ दें तो नंबर ऑफ प्रोटीन्स बनते हैं, और इन प्रोटीन्स को डाइजेस्ट करने वाली एंजाइम होती है पेप्सिन। समझ में आ गया, ये एसिडिक पीएच में काम करते हैं डाइल्यूट एचसीएल के प्रेजेंस में, 1.5 से 2 पीएच, 3 पीएच के आसपास तक, ठीक है कि नहीं क्या। और ये क्या है, स्टमक में काम करेगी, ठीक है। और ये प्रोटीन्स को छोटे पार्ट्स में कन्वर्ट कर देती है पेप्टाइड्स एंड पेप्टोन्स, तो पेप्टाइड और पेप्टोन में 3, 4, 5 से ज्यादा अमीनो एसिड नहीं होंगे, ठीक है कि नहीं क्या। उसके बाद अगला हमारा है केसीन, ये एक मिल्क प्रोटीन है, ठीक है कि नहीं क्या। कई ऐसे छोटे बच्चे होते हैं जो सिर्फ दूध पे ही जीते हैं, तो उनको जो मिल्क प्रोटीन है उसको डाइजेस्ट करना बहुत जरूरी है, तो ये जो मिल्क प्रोटीन है केसीन, इसको रेनिन नामक एंजाइम स्टमक में एसिडिक मीडियम में डाइजेस्ट करके इसको किस में बदल देती है, डायरेक्टली अमाइनो एसिड में बदल देती है केसीन, ठीक है। तो ये तो हो गई हमारी एंजाइम्स, ठीक है कि नहीं क्या। अभी हम देख लेते हैं हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम, ठीक है, हमारा स्क्रॉल हो गया है, अभी कर लेते हैं वापस। चलिए ये हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम है, देख लेते हैं। तो आप लोग बहुत सिंपल सा मैंने डायग्राम बनाया है, इजीली आप बना पाओगे, ठीक है। ये हमारी सलाइवरी ग्लैंड्स की पेयर है, ठीक है, कौन कौन से हैं, पैरोटिड ग्लैंड, सबमेंडिबुलर एंड सबलिंगुअल, ठीक है। माउथ की बकल कैविटी, बकल कैविटी से ये जो हिस्सा ये फेरिंग्स आ जाएगा, फेरिंग्स के बाद में बताया था मैंने जो ओपनिंग ऑफ द फूड पाइप दैट इज नोन एज गलेट, गलेट के बाद में ये ईसोफेगस हो गया, ईसोफेगस के बाद में ये सैक लाइक बैग लाइक स्ट्रक्चर हो गया स्टमक, स्टमक में जो एंटीरियर एंड है ये वाला जो कोनिकल हिस्सा इतना सा ये कहलाता है फंडस, और फंडस के टिप पे ऊपर स्टार्टिंग में जो वेल्व है वो कहलाती है फंडिक वेल्व, दीज आर कंट्रोल बाय रेगुलेटेड बाय स्फिंक्टर मसल्स, तो मसल्स इनकी ओपनिंग क्लोजिंग को रेगुलेट करते हैं। बीच का जो स्ट्रक्चर है वो कार्डिया है, ये सेंटर वाला पोर्शन ब्रॉड, और लास्ट वाला फिर कोनिकल हिस्सा जो होता है एंड वाला पार्ट उसको हम पाइलोरस बोलते हैं, और इसमें जो वेल्व लगी है पाइलोरिक वेल्व लगी है, ठीक है। तो फंडस, कार्डिया, पाइलोरस, ये तीन पार्ट हो गए स्टमक के, वेल्व समझ में आ गई, फंडिक वेल्व और ये पाइलोरिक वेल्व भी हो गई। इसके बाद अगेन एक ट्यूबुलर पार्ट आएगा जिसको हम बोलेंगे ड्यूडेनम, स्मॉल इंटेस्टाइन हमारी ये शुरू हो गई है यहाँ, ठीक है कि नहीं क्या। चलिए अब ये येलो कलर का जो पोर्शन दिख रहा है आगे ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर, ये स्मॉल इंटेस्टाइन है हमारी, ठीक है। अब ये ड्यूडेनम पार्ट है, इसके बाद में आता है हमारा जेजुनम पार्ट, और जेजुनम के बाद में आ जाएगा हमारा क्या इलियम पार्ट। ये स्मॉल इंटेस्टाइन इस जगह पे जुड़ती है लार्ज इंटेस्टाइन में, तो इनके जॉइंट में एक छोटा सा फिंगर लाइक फोल्ड होता है, स्ट्रक्चर होता है जिसको हम बोलते हैं वर्मी फॉर्म अपेंडिक्स। यूजलेस है, किसी काम का नहीं, लेकिन कई बार मैंने बताया ना इन्फेक्शन होकर सूज जाता है तो यहाँ से ब्लॉक कर लेता है इंटेस्टाइन को, जिससे बहुत पेन होता है एब्डोमेन में, पर्सन सीधे खड़ा भी नहीं रह सकता, ठीक है नहीं क्या। ओके, ब्लॉकेज क्योंकि भोजन जाएगा नहीं, जमा होते जाएगा तो प्रेशर बढ़ेगा भोजन का, तो इससे पेन होने लगता है, ठीक है। उसके बाद ये जो हिस्सा है ये सीकम कहलाता है, बस ये थोड़ा सा हिस्सा ये वाला। इसके बाद ये पूरा और ये कहलाता है कोलॉन, ऊपर चढ़ता हुआ कहलाता है असेंडिंग कोलॉन, ये कहलाता है ट्रांसवर्स कोलॉन, ये कहलाता है डिसेंडिंग कोलॉन, और फिर यहां से डिसेंडिंग कोलॉन के बाद में थोड़ा सा हिस्सा जो है ये रेक्टम कहलाता है, रेक्टम के बाद में फाइनली आता है एनस। समझ में आ गया, ये थे हमारे क्या डाइजेस्टिव सिस्टम के अलग अलग पार्ट्स, ठीक है। इधर हमने पैंक्रियास छोड़ दिया और लीवर छोड़ दिया, लीवर हमारे बॉडी की सबसे बड़ी ग्लैंड है, लीवर से ग्रंथि निकली है और बाइल जमा होता है किसमें, गॉल ब्लैडर में, और जब जब रिक्वायरमेंट होती है तो ये गॉल ब्लैडर पिचकता है और ये इसकी ट्यूब के माध्यम से उधर से जो पैंक्रियाटिक ट्यूब आएगी वो भी जुड़ेगी इससे, दोनों ट्यूब्स कॉमन तरीके से स्मॉल इंटेस्टाइन में अपने अपने जूसेस को सिक्रीट करती हैं, तो ये जो कॉमन ट्यूब है जहां ये दोनों जुड़ रही है इसको बोलते हैं कॉमन बाइल डक्ट। समझ में आ गया कि नहीं क्या, ये था हमारा सिंपल सा डायग्राम और उसके सारे पार्ट्स, ठीक है कि नहीं। चलिए आगे चलते हैं, ओके। अब जैसे कि मैंने बताया कि हमारा जो ट्रिप्सिन है उसको कौन सिक्रेट करता है, पैंक्रियास सिक्रेट करती है, ठीक है नहीं क्या। अब ये ट्रिप्सिन जो होती है ना, ये ट्रिप्सिन सीधे सीधे काम नहीं करती, समझ में आ गया, ट्रिप्सिन जो होती है सीधे सीधे काम नहीं करती, तो ये ट्रिप्सिन जो होती है ये अपने इनएक्टिव फॉर्म में होती है, नॉन यूजेबल फॉर्म में होती है, जिसको बोलते हैं ट्रिप्सिनोजेन, क्या बोलते हैं इसको, ट्रिप्सिनोजेन, ठीक है। और ये जो ट्रिप्सिनोजेन है ये ट्रिप्सिनोजेन को ट्रिप्सिन में जो कन्वर्ट करता है वो कौन करता है, काइमोट्रिप्सिन, कौन करता है, काइमोट्रिप्सिन। तो यहाँ पे थोड़ा सा गड़बड़ है, मैं अभी सही कर देता हूं, ओके सो दिस इज द एंजाइम विच विच
converts this inactive trypsinogen into trypsin. तो पहले pancreas में ये release होती है, ये काम नहीं करती, ठीक है कि नहीं का? फिर जैसे ये trypsinogen हमारे small intestine में पहुंचेगी, तो small intestine में देखो लिखा ना region small intestine, इस small intestine में basic medium bile ने बनाई दिया, उस basic medium के कारण ये वाले enzyme chymotrypsin काम करती है, ये बस इसको जगाने का काम करती है, इसको ये सोई पड़ी रहती है, इसको activate करने काम करती थी, तो इसका जो activated रूप है, जगा हुआ रूप है, वो कहलाता है trypsin, तो inactive था, ये क्या हो गया? Active रूप हो गया, समझ में आ गया? तो ये था हमारा अगला, तो काइमोट्रिप्सिन जो है ये इंटेस्टिनल एंजाइम है, इसने पैंक्रियाटिक अमाइलेज ये पैंक्रियाटिक जो एंजाइम है ना ट्रिप्सिनोजेन इसको जगा दिया, तो इसको कन्वर्ट करके ट्रिप्सिन हो गया। अब ट्रिप्सिन क्या करती है? प्रोटीन्स प्रोटेस करती है। तो देखो अगला काम प्रोटीन्स, तो ये स्मॉल इंटेस्टाइन में जो ट्रिप्सिन है ये प्रोटीन्स एक्ट करेगी और इसको बेसिक मीडियम में किसमें कन्वर्ट कर देगी? पेप्टाइड्स में कन्वर्ट कर देगी, समझ आ गया कि नहीं क्या? और कुछ प्रोटीन्स मैंने बताया था पेप्सिन की मदद से कन्वर्ट हुए थे पेप्टोन्स और पेप्टाइड्स में, ठीक है कि नहीं क्या? उसके बाद ये पेप्टाइड और पेप्टोन जो देखो पेप्सिन ने बना दिए थे स्टमक के अंदर, पिछले वाले पार्ट में स्टमक ने कर दिया था ना काम, पेप्टाइड्स और पेप्टोन छोटे प्रोटीन्स में कन्वर्ट कर दिया। अब इन प्रोटीन्स को और फर्दर अमाइनो एसिड में वाटर सोल्युबल पार्ट में डाइजेस्ट कौन करती है? कार्बोक्सी पेप्टिडेज, ये भी स्मॉल इंटेस्टाइन में होगा बेसिक पीएच में, ठीक है? तो कार्बोक्सी पेप्टिडेज क्या करती है? पेप्टाइड्स और पेप्टोन्स को अल्टीमेटली स्मॉल अमाइनो एसिड में कन्वर्ट कर देती है, ठीक है? देन मिल्क के अंदर एक और शुगर पाई जाती है लैक्टोज, रेनिन हम देख चुके हैं मिल्क प्रोटीन्स प्रोड्यूस करने वाली केसीन को, लैक्टोज एक और मिल्क शुगर है, ये बड़ी शुगर है थोड़ी, तो इसको डाइज करने के लिए जो एंजाइम है वो लैक्टेज, ये भी बेसिक मीडियम में काम करती है स्मॉल इंटेस्टाइन में, और ये जो लैक्टोज है ये दो छह कार्बन की शुगर्स को जुड़ के बना है ग्लूकोज एंड गैलेक्टोज, तो लैक्टोज के डाइजेशन के बाद में जो दो सिंपल वाटर सोल्युबल शुगर्स बनेगी ग्लूकोज एंड गैलेक्टोज, तो लैक्टोज लैक्टोज बस ये गा लगाना गैलेक्टोज और एक ग्लूकोज ये दो बनेंगी, ठीक है? उसके बाद हम जो गन्ने से बनी हुई जो चीनी खाते हैं केन शुगर सुक्रोज है, इसको केमिकल नेम इसका क्या है? सुक्रोज। ये सुक्रोज हमारे बॉडी में कहां डाइस होते हैं? ये भी स्मॉल इंटेस्टाइन में डाइस होते हैं, तो सुक्रोज को डाइस करने वाली जो एंजाइम है वो सुक्रेज ये स्मॉल इंटेस्टाइन रिलीज करती है, ठीक है बेसिक पीएच में, और सुक्रोज क्या करेगी? ये सुक्रोज को डाइस करती है, सुक्रेज एंजाइम का नाम है, सुक्रोज शुगर है, ध्यान देना ओस शुगर एज एंजाइम, तो सुक्रेज जो होती है सुक्रोज को कन्वर्ट करती है दो अलग अलग छोटी सिंपल शुगर्स में, एक है ग्लूकोज और एक है फ्रुक्टोज, दोनों छह कार्बन के शुगर है, दोनों का फॉर्मूला सेम टू सेम है, इसका फॉर्मूला भी C6H12O6 है, इसका फॉर्मूला भी C6H12O6 है, बट इनके स्ट्रक्चर में फर्क है, ये एक एल्डिहाइडिक शुगर है, ये कीटोनिक शुगर है, समझ आ गया? तो एल्डो हेक्सोज एंड कीटो हेक्सोज, तो ज्यादा डिटेल में नहीं याद रखते, बस सिंपल नाम याद रख लो काफी है, दोनों का फॉर्मूला सेम है C6H12O6 और ये होता है C12H22O11 सुक्रोज, ठीक है कि नहीं? लिपिड्स हम जो चर्बी खाते हैं फैट्स खाते हैं घी तेल ऑयल नट्स में जो होता है फैट्स उसको डाइस करने के लिए जो एंजाइम है वो लाइपेज है, और मैंने बताया कि जैसे लिपिड्स जो होते हैं इसको हमारे बाइल ने इमल्सिफाई कर दिया छोटे ड्रॉपलेट्स में कन्वर्ट कर दिया ताकि एंजाइम लाइपेज उस पर काम कर सके। लाइपेज को कौन सिक्रेट करता है? स्मॉल इंटेस्टाइन में काम करती है, सिक्रेट करता है कौन इसको? पैंक्रियास, ठीक है कि नहीं क्या? बेसिक मीडियम में। तो अब हर एक लिपिड जो होता है वो किस चीज का बनता है? तीन फैटी एसिड और एक ग्लिसरॉल, ये एक सॉलिड अल्कोहल है ग्लिसरॉल गाड़ी अल्कोहल है सॉरी सॉलिड नहीं गाड़ी अल्कोहल है तो एक ग्लिसरॉल मॉलिक्यूल और तीन फैटी एसिड मॉलिक्यूल इनके जुड़ने से क्या बनता है लिपिड्स तो जब लिपिड्स को तोड़ेगी ये एंजाइम तो वापस हमको तीन मॉलिक्यूल्स फैटी एसिड बन जाते हैं और एक बन जाता है ग्लिसरॉल और मैंने बताया था कि इन डाइजेशन प्रोडक्ट्स को कैरी करने के लिए लिम्फ वेसल्स होते हैं ये ब्लड वेसल्स के थ्रू जाते नहीं चिपचिपे होते हैं ठीक है कि नहीं क्या तो ये था हमारा लिपिड्स के डाइजेशन प्रोडक्ट अब हमारा सिर्फ क्या रह गया डीएनएज और आरएनएज दो रह गया हमारा ठीक है नहीं क्या ओके तो फाइनली हमारा क्या है डीएनए डीएनए न्यूक्लिक एसिड है जो कि न्यूक्लियस के अंदर पाया जाता है सेल के ठीक है तो डीएनए डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड तो इस न्यूक्लिक एसिड को डाइस करने वाले एंजाइम भी स्मॉल इंटेस्टाइन में रिलीज होती है डीएनए एस बेसिक मीडियम में काम करेंगी जितनी एंजाइम्स स्मॉल इंटेस्टाइन की बेसिक मीडियम में काम करेंगे ठीक है तो डीएनए एस ने क्या किया डीएनए को डाइस कर दिया और उसको सिंपल वाटर सोल्युबल फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया जिसको बोलते हैं न्यूक्लियोटाइड्स तो बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड्स को जुड़ने से डीएनए बनता है जैसे मोतियों की माला है ना तो मोती की माला मैं अगर कैंची चला दोगे उसकी स्ट्रिंग में तो मोती बिखर जाएंगे तो बस हर एक मोती मान लो ये न्यूक्लियोटाइड है और पूरी माला क्या थी डीएनए था तो सिंपल छोटे पार्ट में कन्वर्ट हो गया डीएनए न्यूक्लियोटाइड इसी प्रकार से जो आरएनए होता है वो भी न्यूक्लियोटाइड्स का ही बनता है तो उसको डाइस करने वाली एंजाइम जो है वो आरएनए एस है तो डीएनए एस विल डाइजेस्ट डीएनए एंड कन्वर्ट इट इनटू वाटर सोल्युबल न्यूक्लियोटाइड्स सिमिलरली आरएनए एस विल डाइजेस्ट आरएनए एंड कन्वर्ट इट इनटू वाटर सोल्युबल न्यूक्लियोटाइड्स और ये दोनों काम होते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर तो बच्चों इसके साथ ही ये जो हमारा डाइजेशन वाला प्रक्रिया ये पूरी होगी वर्बल एक्सप्लेनेशन मैंने दे दिया अब ये सारी की सारी चीज को थोड़ा सा और इंटरेस्टिंग बना देते हैं तो अभी जस्ट बने रहिएगा अभी एक मैं एक एनिमेटेड वीडियो के माध्यम से आपको क्या है इसका जो है एक तरह से पूरा प्रोसीजर को बहुत ही सिंपल फॉर्म में समझा दिया जाएगा ठीक है तो बने रहिए
कुछ ही देर में आपके सामने एक एनिमेटेड वीडियो आ रहा है, ठीक है ना। चलिए तो इस पूरे डाइजेस्टिव सिस्टम को मैं अगले कुछ मिनट्स में आपको पूरा ब्रीफ में एक बहुत ही सिंपल सा आइडिया दे दूंगा, तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम है, बाद में इसको मैं एनिमेट भी कर दूंगा, तो समझते हैं ये क्या चीज है। तो सबसे पहले बेसिक जो इवेंट्स वो देख लेते हैं। फर्स्ट वी पुट फूड इन टू द माउथ, भोजन मुंह में जैसे ही हमने रखा बकल कैविटी में दांतों की मदद से चबा चबा के उसके फाइन पार्टिकल्स कर लिए जाएंगे, ठीक है कि नहीं क्या। और इसी समय में हमारी जो तीन पेयर ऑफ सलाइवरी ग्लैंड्स है, देखो ईयरी, पैरोटिड ग्लैंड, सब मैंडिबुलर एंड सबलिंगुअल, ये तीनों ग्लैंड्स अपना अपना सलाइवा पोर करेंगी, सलाइवा के साथ मिक्सअप होकर ये एक प्रॉपर पेस्ट में, फाइन पेस्ट में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है कि नहीं। और स्वेलो करने से पहले हम इस पेस्ट को क्या है, एक बॉल के रूप में रोल कर लेते हैं, ये कहलाता है बोलस। और जैसे ही बोलस को हम स्वेलो करने के लिए रेडी होते हैं तो क्या होता है, आगे हमारे फेरिंग्स रीजन में दो अलग अलग ओपनिंग्स हैं, बताया था मैंने, एक तो फूड पाइप की ओपनिंग है, इसोफेगस की ओपनिंग है जिसको हम बोलते हैं गलट, और एक विंड पाइप की ओपनिंग है, ट्रेकिया की ओपनिंग है जिसको हम बोलते हैं ग्लॉटिस। और ये भोजन जो होता है ये विंड पाइप में ना एंटर कर जाए, इसके लिए इसके ऊपर एक छोटा सा मस्कुलर कार्टिलेजियस फ्लैट स्ट्रक्चर है, ठीक है, जो कहलाता है एपिग्लॉटिस, ढक्कन अबव द ग्लॉटिस। तो स्वेलो करते वक्त क्या करता है, ये इस विंड पाइप को बंद कर लेता है, समझ में आ गया, जिससे कि भोजन जो होता है वो कहां से रख जाता है, फूड पाइप के अंदर। फिर फूड पाइप के अंदर इसके वॉल के अंदर मसल्स होती है, स्फिंक्टर मसल्स, ये कॉन्ट्रैक्ट लेग्स करके रिदमिक वे में क्या करते हैं, उस फूड को धीरे 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 नीचे सरका लेती है, और इसकी जो वॉल है ऊपर की, ठीक है, आउटर वॉल, उसमें हमको एक वेव लाइक पैटर्न दिखता है, समझ में आ गया ना, कहीं से मोटा हो जाएगा कहीं से पतला हो जाएगा ऐसे लगातार, और ये फूड स्लिप डाउन होकर के इट एंटर्स द स्टमक, ठीक है कि नहीं क्या। तो ये जो प्रक्रिया है फूड का स्लिप होना इसके थ्रू, वेव लाइक पैटर्न के थ्रू, मोशन के थ्रू, ये कहलाता है पेरिस्टाल्सिस, ठीक है। और पेरिस्टाल्सिस के बाद में क्या होगा, ये मैंने बताया था स्टमक के जो एंटीरियर एंड पे जो ये वाला हिस्सा है ये क्या कहलाता है, फंडस। तो यह फंडिक वेल होती है, खुल जाती है, और यहाँ पे ये पाइलोरस हिस्सा ये वाला, तो ये पाइलोरिक वेल होगी, ठीक है कि नहीं क्या। और जैसे ही भोजन यहाँ पे आ जाएगा तो तुरंत स्टमक की जो इनर लाइनिंग होती है वो एक्टिवेट हो जाती है, उसके अंदर जो हमारे इपिथेलियल लाइनिंग है वो डाइल्यूट HCl, मतलब गैस्ट्रिक जूस सिक्रीट करती है, और इसमें डाइल्यूट HCl होता है, एंजाइम होती है पेप्सिन रेनिन जो प्रोटीन्स को डाइस करने का काम करते हैं, अभी हमने देख लिया है वो, पहले आपको बता चुका हूं मैं, ठीक है कि नहीं का। और ये जो भोजन है, ठीक है, ये लगभग हाफ डाइजेस्ट होता है, गाढ़ा गाढ़ा फ्लो करने वाला सेमी सॉलिड थिक लिक्विड की तरह कन्वर्ट हो जाता है, ना सॉलिड ना लिक्विड, सेमी सॉलिड बोल सकते हैं इसको, ठीक है। अब ये क्या कहलाता है, चाइम कहलाता है, क्या कहलाता है, चाइम कहलाता है, ठीक है। और यहाँ पे पीएच एसिडिक है, तो स्टमक की जो वॉल होती है वो लगातार इसको क्या है, कॉन्ट्रैक्ट लेस करके अच्छे से इस फूड को मिक्सअप कर देती है एंजाइम्स के साथ में, ठीक है। उसके बाद जैसे ही आधा अधूरा डाइजेशन खत्म हो गया यहाँ पे, तो इसके बाद क्या होगा, ये हमारी जो कौन सी वेल्व है, ये पाइलोरिक वेल्व, ये ओपन होगी, एंड दिस फूड इज स्क्वीज्ड आउट ऑफ द स्टमक। जैसे ये इस यू शेप के ट्यूब में घुसेगा, ये हमारी फर्स्ट पार्ट है स्मॉल इंटेस्टाइन का, ड्यूओडेनम, ठीक है। और इसमें फिर क्या होगा, इधर से जो भी लीवर ने बाइल बनाया होगा वो ये छोटी इस ग्लैंड में जमा होता है, किसमें, गॉल ब्लैडर में, ठीक है कि नहीं का। और गॉल ब्लैडर से जो डक्ट निकलेगी ये बाइल डक्ट कहलाती है, एक पैंक्रिया से डक्ट निकलेगी ये कहलाती है पैंक्रियाटिक डक्ट, दोनों जुड़ जाती है आपस में, और ये दोनों मिलकर के अपने जूसेस को जैसे फूड यहाँ आएगा इसमें डाल देती है। फिर बाइल क्या है, जिस एसिडिक पीएच था उसको बेसिक बना देता है, ठीक है, और फिर फैट्स को इमल्सिफाई करता है, मतलब छोटे ड्रॉपलेट्स में कन्वर्ट कर देता है फैट्स को। और फिर जो हमारी एंजाइम्स हैं, किसकी, कुछ इंटेस्टाइन के एंजाइम्स हैं, लाइपेज, ठीक है कि नहीं, कार्बोहाइड्रेज, डीएनएज, ठीक है कि नहीं क्या, आरएनएज, ये कुछ एंजाइम्स हमारी, ठीक है, कार्बोक्सीपेप्टिडेज, और इधर ट्रिप्सिन एक एंजाइम, और लाइपेज जो कि किसकी है, पेंक्रियास की है, ठीक है, और पेंक्रियाटिक अमाइलेज भी है, ठीक है। तो ये सारी एंजाइम्स इधर पोर इन होंगी, बेसिक मीडियम में काम करेंगी, और अपने अपने फूड को, सब्सट्रेट को डाइजेस्ट करके सिंपल सोल्युबल फॉर्म में कन्वर्ट कर देंगी। ये सिंपल सोल्युबल फूड जो होता है ये आगे आके स्मॉल इंटेस्टाइन में ट्रेवल करेगा, जिसके दो आगे और छोटे लंबे लंबे पार्ट है, कौन से, जेजुनम एंड इलियम। इसके अंदर क्या होता है, कुछ माइक्रोस्कोपिक फिंगर लाइक फोल्ड्स होते हैं सरफेस एरिया बढ़ाने के लिए, वहां पे मोस्ट ऑफ द डाइजेस्टेड फूड इज एब्जॉर्ब, एब्जॉर्प्शन के बाद में फूड फाइनली कहां जाएगा, लार्ज इंटेस्टाइन में आ जाएगा। और लार्ज इंटेस्टाइन में आने के बाद में क्या होगा, ये क्या है, यहाँ पे नॉर्मली वाटर मिनरल से एब्जॉर्ब होता है, तो इसका जो ऊपर सबसे पहला रीजन तो होगा सीकम, स्मॉल इंटेस्टाइन किससे जस्ट आगे वाला, उसके बाद होगा इसका ये जो मोटा वाला रीजन है, ये जो गेट जैसा बना हुआ, ये अब ये क्या होगा, कोलॉन ऊपर जाता हुआ, ये असेंडिंग कोलॉन है, ये ट्रांसवर्स कोलॉन है, डिसेंडिंग कोलॉन, और कोलॉन के बाद में फाइनली रेक्टम आएगा, रेक्टम के बाद में एनस, एनस से ये अनडाइजेस्टेड वेस्ट मटेरियल जो होता है इट इज थ्रोन आउट ऑफ द बॉडी, ठीक है कि नहीं। तो चलिए ब्रीफ में मैं एनिमेशन स्टार्ट करता हूँ, तो इसके लिए आप लोग ध्यान से इसको
देखेंगे क्या है, ठीक है कि नहीं क्या? ओके चलिए, तो सबसे पहले ओरल कैविटी में देखो, भोजन गया, जाने के बाद में चबाया, छोटे पार्टिकल्स में कन्वर्ट हो गया, मैस्टिकेशन कहलाता है। इधर से सलाइवरी ग्लैंड्स ने सलाइवा पोर किया तो पेस्ट के रूप में कन्वर्ट हो गया। उसके बाद स्वेलो करने में इजी है, बोलस में इसको कन्वर्ट किया हमने बॉल रूपी स्ट्रक्चर में और निगल लिया। ये देखो ये क्या है, ये एपिग्लॉटिस ढकने वाला है किसको, ग्लॉटिस को। तो ये विंड पाइप में नहीं जाएगा फूड, और ये जो भी बोलस है ये हम पुश कर देते हैं किसमें, इस वाले रीजन में। तो ये गलत है जो फूड पाइप की ओपनिंग है। तो देखो अभी ये बंद करने वाला है इसको ग्लॉटिस को, ये ग्लॉटिस बंद हो गया एपिग्लॉटिस के कारण। तो ये स्ट्रक्चर एपिग्लॉटिस है, ठीक है। इसके बाद इट इज फोर्स्ड इनटू द इसोफेगस। इसोफेगस में देखो अभी देखो इसकी वॉल का मूवमेंट देखना किस प्रकार से, इसकी जो बाहरी वॉल है देखो जैसे सांप निकल जाता है ना इस प्रकार के, देखो वेव लाइक पैटर्न दिख रहा है, ये पेरिस्टाल्सिस होता है, ठीक है। और उसके बाद भोजन आ जाएगा, यहाँ पे वेल होती है स्फिंक्टर मसल्स के द्वारा कंट्रोल, और ये आ गया स्टमक के अंदर। अब स्टमक में क्या होगा, डाइजेस्टिव जूसेस ऐड होंगे, ठीक है कि नहीं क्या। तो ये ऊपर वाला हिस्सा ये फंडस है, ये कार्डिया है, ये पाइलोरस है, ठीक है कि नहीं क्या। डाइजेस्टिव जूसेस उसको क्या आधा दूरा डाइजेस्ट कर देंगे, सेमी सॉलिड थिक पेस्ट के रूप में कन्वर्ट कर देंगे, जो कि लगभग बहने सा लगेगा, ठीक है। ये क्या कहलाता है, अभी चाइम कहलाता है। तो बाहर निकल लेगा तो ये चाइम होगा, ठीक है कि नहीं। तो स्टमक इसको ढंग से मिक्सअप कर देता है डाइजेस्टिव एंजाइम्स के साथ, HCL के साथ में, ठीक है। ये चाइम में बदल गया, अब स्मॉल इंटेस्टाइन में घुस जाएगा। ये आ गया यहाँ से स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर, डियोडेनम जो हमारा पहला पार्ट है। ये देखो ये हमारी बाइल डक्ट है ऊपर वाली लीवर से जो आ रही है, गॉल ब्लैडर से नीचे वाली पैंक्रियाटिक डक्ट है, दोनों जुड़ के यहाँ खुल गई, ठीक है। डियोडेनम में अपने अपने जूसेस डालती है, फिर फूड जो है लीवर के जूस जो बाइल है वो फैट को इमल्सिफाई करेगा, और ये एंजाइम्स आ गई देखो यहाँ पे, ठीक है। तो ये फैट्स प्रोटीन्स कार्बोहाइड्रेट्स इनको डाइजेस्ट करेंगी, डाइजेशन के बाद में भोजन, और आगे चला गया जेजुनम पार्ट में, जेजुनम से फिर इलियम में आ जाएगा, समझ में आएगा, स्मॉल इंटेस्टाइन में, और वहां से घुस जाएगा फिर लार्ज इंटेस्टाइन में। लार्ज इंटेस्टाइन में नॉर्मली वाटर मिनरल्स अब्जॉर्ब होते हैं, कुछ वेस्ट बैक्टीरिया वो अनडाइजेस्टेड फूड पे फीड करते हैं, ठीक है कि नहीं। तो ये देखो ऊपर असेंडिंग कोलोन, ट्रांसवर्स, डिसेंडिंग कोलोन, ठीक है। और उसके बाद में ये थोड़ा सा सिग्मोइड कोलोन है टेढ़ा, और उसके बाद में ये फूड एनएस के थ्रू जो अनडाइजेस्टेड फूड है रेक्टम से होते हुए एनएस से बाहर आ जाएगा, ठीक है। रेक्टम में वाटर और मिनरल्स का एब्जॉर्प्शन होता है, क्लियर है। तो ये था बच्चों सिंपल सा प्रोसेस डाइजेशन का, क्लियर है। ओके आई होप आपको ये पूरा का पूरा जो टॉपिक है बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। ओके सो आप लोग पूरा इसको ध्यान से देखेंगे और उसके बाद ही अच्छे से इसको नोट कर लेंगे, फिर भी अगर कोई प्रॉब्लम होगी तो आप कमेंट सेक्शन में डाल सकते हैं, ठीक है। इस टॉपिक के बाद हम करेंगे हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम। ओके टिल देन गुड बाय।